हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मिल्क पाउडर से बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी रेसिपी बनाकर वो दिखाऊंगी। मैं आज आपको बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी इसकी मिठाई बनाकर दिखाऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगी। और कमाल की बात तो यह है, यह अगरवाड़ी से ही मिलने वाला मिल्क पाउडर है, उसी से आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको अगरवाड़ी से यह मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं होता है तो आप मार्केट से लाकर भी इसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैंने बताती हूँ कि अब मैंने ये कौन सा फ्लेवर लिया हुआ है। ये मैंने इलायची फ्लेवर लिया हुआ है। तो अब मैं आज आपको बताऊंगी इलायची फ्लेवर की आपकी कैसी मिठाई बनकर तैयार होगी। मैंने ये कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर डालूंगी। कढ़ाई मैं अपनी गैस पर रख लूंगी और अपनी गैस को ऑन कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी कढ़ाई को थोड़ा अंदर से, अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून घी। तो देखिए हमारा घी मेल्ट हो रहा है, हम इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास दूध। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी अपना मिल्क पाउडर। धीरे धीरे आपको इसमें मिल्क पाउडर डालना है और इसे हिला देना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ग्रीन इलायची फ्लेवर लिया हुआ है, इसकी आपकी मिठाई ग्रीन बनेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है और अब आपको ये धीरे धीरे हिलाना है। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट आई हुई थी कि हम वैसी कढ़ाई में बना सकते हैं। आप बना सकते हो, क्यों नहीं, लेकिन उसमें आपको घी या दूध ज़्यादा यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसका भी आप कलर देख सकते हो, यह बिल्कुल ग्रीन कलर का बन, थोड़ा ग्रीन फ्लेवर दिख रहा है इसका, क्योंकि यह ऑलरेडी ग्रीन ही है। तो मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे की तरफ लगे नहीं और आपकी मिठाई काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छी बने। तो फ्रेंड्स, मैंने ये इलायची फ्लेवर लिया हुआ है, आपसे को मार्केट से भी है नॉर्मली अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ पर भी आपको मिल्क पाउडर जब आप लोगे तो अलग अलग फ्लेवर मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट पे बोलना होगा, दुकान पे, शॉप पे आपको ये बोलना होगा कि आपको मिल्क पाउडर कौन से फ्लेवर का चाहिए। अगर ये आपको आंगनवाड़ी में प्रोवाइड नहीं है तो आप इसे मार्केट से भी ला सकते हो और अपने बच्चों को हाथों से यह मिठाई बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हो। आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे की तरफ काफ़ी लग जाती हैं और उससे आपकी मिठाइयाँ बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं बनेंगी, उसमें आपको जलने जैसी ही महक आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह बिल्कुल ग्रीन कलर के बने हुई हैं क्योंकि यह इलायची फ्लेवर है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यह मिठाई की कंडीशन में आ चुकी हैं, अब मैं इसे अपनी गैस से उतार लूँगी। तो इस प्रकार का मैं एक बर्तन लूँगी और उस बर्तन में नीचे की तरफ पहले घी लगाऊँगी ताकि हमारे नीचे की तरफ मिठाई चिपके नहीं। तो देखिए मैंने ये नीचे की तरफ अपना घी लगा लिया है। अब मैं अपनी मिठाई को, जो हमने मिठाई का पेस्ट बनाया है, वो इसी के अंदर डाल लूँगी। देखिए ये बिल्कुल मिठाई की कंडीशन में बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो काफ़ी टाइट पेस्ट बना हुआ है हमारा। इसे आपको 10 से 15 मिनट के लिए रखना होगा, तभी यह आपकी अच्छी सी मिठाई इसमें कटकर तैयार होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और इसका कलर बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया आया हुआ है क्योंकि ये इलायची फ्लेवर है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग आप कोई भी शेप बना सकते हैं। तो एक एक करके मैं इसी प्रकार इन्हें निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इलायची फ्लेवर बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो ये हमने इलायची फ्लेवर बनाकर तैयार किया है। अब इसकी गार्निश के ऊपर हम इसके ऊपर लगाएंगे एक काजू, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसकी गार्निश के लिए लगा लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इलायची फ्लेवर की मिठाई बनकर तैयार हो। ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।